नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 23, मुझे पहचाना या नहीं। चलो, मैंने यह तो आपसे कहा ही है कि मैं बड़ा ही उपद्रवी व चंचल हूँ, परंतु आपसे यह कहना रह ही गया था कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हूँ और फिर यूँ भी सबको व्यस्त रखना मेरा ही काम है। अब यहाँ सवाल मेरे मन में यह उठ रहा है कि मैंने तो अपने बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया, पर आप मुझसे कितना, आपने मुझे कितना गहराई से समझा, इसे आंकने हेतु मैं आपको एक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। इसमें मेरे बाबत कही जाने वाली कई बातें जो पूरी तरह सत्य है और सुंदर शब्दों में पिरोई हुई है, मैं उनमें से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। आपको स्वयं से उसके वैज्ञानिक अर्थ समझना है। वैसे यह कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि मैं अपने कार्यप्रणाली की पूरी वैज्ञानिकता आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। यदि आप स्वयं से इनका वैज्ञानिक अर्थ निकाल पाएँ तो समझ लेना आपने मुझे समझ लिया, न निकाल पाएँ तो फिर आगे के पन्ने पढ़ लेना। मैंने उसमें संक्षेप में सारी बातों का अर्थ समझाया हुआ ही है। ए, वक्त से पहले व किस्मत से ज़्यादा न मिला है न मिलेगा। बी, समय बलवान तो गधा पलवान। सी, सही बात सही वक्त व सही मौके पर की जाए तो ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर आती है। डी, समय ठीक चल रहा हो तो गलत फेंका पासा भी ठीक पड़ जाता है। ई, राजा को रंग और रंग को राजा बनाना वक्त का ही काम है। एफ, समय के नक्शे कदम पे चलने पर यह मान ही लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो अब आप कोशिश कर मेरी कही बातों से इन बातों का वैज्ञानिक अर्थ समझने की कोशिश करें। ना समझ पाए तो पन्ना पलट कर देख लेना, वहाँ मैंने इनके अर्थ समझाए हुए ही हैं। ए, वक्त से पहले व किस्मत से ज़्यादा न मिला है न मिलेगा। यह बात टाइम और स्पेस के टाइमिंग बाबत है। वक्त से पहले यानी उस समय पर जब अनुकूल परिस्थितियाँ बनकर तैयार हो चुकी हों, और किस्मत से ज़्यादा यानी उस जगह पर जहाँ यह परिस्थितियाँ तैयार है, तथा ज़्यादा का अर्थ है परिस्थिति जितना भुनाने की इजाज़त दे रही है। सरल भाषा में कहूँ तो जहाँ परिस्थिति बनकर तैयार हो रही है, उस वक्त पर जो वहाँ पहुँच जाता है वह जीतने के लिए परिस्थिति बनकर तैयार है उतना पा लेता है। यही बात गांधी जी के उदाहरण से समझाऊं तो यदि वही आंदोलन उसी तरीके से गांधी जी ने 100 वर्ष पहले किए होते तो कोई परिणाम नहीं आते। परिणाम तो सिर्फ सही समय पर तथा सही जगह पर किए वार के ही आते हैं, यानी बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम यू विल गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। समय बलवान तो गधा पलवान, निश्चित ही यहाँ भी बात टाइम और स्पेस की ही है। कई बार परिस्थितियाँ इस कदर करवट लेती हैं कि आपको अपने नौकर के यहाँ ही नौकरी करने का समय आ खड़ा होता है। तो कर लीजिए, बलवान आपका अहंकार या दुनियादारी नहीं है, बलवान समय ही है। इसी समय का दूसरा और गहरा अर्थ यह भी है कि जो अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दुनिया की निगाह में गधा बनने को तैयार हो जाता है, यानी चुपचाप अपने मूड की शरण चला जाता है, उसका समय स्वतः ही बलवान हो जाता है, क्योंकि जल्द ही उसकी करप्ट हार्ड डिस्क ठीक भी हो जाती है और उसके भीतर मेरी गति तेज भी हो जाती है। अब जब मेरी शरणागति स्वीकार चुके ऐसे गधे का समय ही बलवान हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से जल्द ही विश्व के पटल पर पहलवान बनकर उभर भी आता है। सी, सही बात सही वक्त पर व सही मौके पर की जाए तो ही वह श्रेष्ठतम परिणाम लेकर आती है। वैसे यह बात बोलने हेतु ही नहीं, कार्य और उसके परिणाम बाबत भी उतनी ही सार्थक है। यहाँ भी बात एक बार फिर टाइम और स्पेस के कॉम्बिनेशन की ही है, लेकिन यह बात कुछ हटके है। हटकर इसलिए कि यह
यहाँ कई बार आपके सामने ऐसी मुसीबत आ खड़ी होती है कि बात कहने का समय तो ठीक जान पड़ता है, परंतु परिस्थिति अनुकूल नहीं जान पड़ती। यानी किसी की गलती तो आपने पकड़ ली, परंतु उस वक्त वह अपने चमचों से घिरा बैठा है। यानी मौका तो बन गया पर दस्तूर नहीं बन पा रहा है। यह कई बार उल्टा हो जाता है। परिस्थिति आपको सपोर्ट कर रही होती है, परंतु समय ठीक नहीं होता है, और अक्सर मनुष्य यहाँ गलती कर जाता है। दो में से एक साथ दे रहा हो तो भी वह बात कह जाता है या कार्य कर जाता है, लेकिन उसका यह पासा उल्टा ही पड़ता है। यहीं आकर मनुष्य को धीरज रखने के आवश्यकता होती है। जब तक समय और परिस्थिति दोनों एक साथ अनुकूल ना हो जाए, उसे चाहिए कि वह बात या काम का तीर छोड़े ही मत, क्योंकि दोनों के एक साथ अनुकूल होने पर ही श्रेष्ठ परिणाम संभव हैं। समय ठीक चल रहा हो तो गलत फेंका पासा भी ठीक पड़ जाता है। यहाँ यह बता दूँ कि मेरे कुचक्रों की ही तरह मेरे सुचक्र भी हैं, और यह बात सुचक्र का आनंद ले रहे मनुष्य के लिए कही गई है। सुचक्र का अर्थ यह है कि मैं इस समय मनुष्य का ऐसा साथ दे रहा हूँ कि वह जो करे ठीक, यानी वह इस समय अपने साथ समय व स्थान का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिए घूम रहा होता है कि वहाँ कुछ भी अहितकारी उसके सामने आने वाला ही नहीं होता है। फिर समय के उस कुछ सुचक्र को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले को धीरू भाई अंबानी बनाने में भी वक्त नहीं लगता है। हाँ, यहाँ मनुष्य को यह पक्का कर लेना होता है कि वह सुचक्र में है या यह उसकी गलतफहमी है। सुचक्र में है तो फटाफट सब कर ले, हर पासा सीधा पड़ेगा, और कुचक्र में हो तो चुपचाप बैठे रहो। कुचक्र चल रहा हो तब कोई कितने ही हाथ पांव मार ले, मुंह की ही खाएगा। राजा को रंग और रंग को राजा बनाना वक्त का ही काम है। यहाँ वक्त यानी मेरे द्वारा भेजा जाने वाला मूड, और यह मैं समझा ही चुका हूँ कि लगातार अपने मूड का साथ देने वाला जल्द ही एक दिन राजा हो जाएगा, और वहीं अपने मूड का साथ छोड़ने पर राजा को भी रंग बनने में देर नहीं लगेगी। और यह भी मैं समझा ही चुका हूँ कि यह आपका मूड ही है जो तय करता है कि आपको किस टाइप या किस क्षेत्र का राजा बनना है। यहाँ यह भी स्पष्टता पूर्वक समझ ही ले कि इतना तय करने की समझ भी आपके पास अलग से नहीं है, यह भी पूरी तरह से मेरे अधिकार क्षेत्र में ही आता है। समय के नक्शे कदम पे चलने पर यह मान ही लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह बात मेरी संपूर्ण शरणागति के बाबत कही गई है। मेरा और आपका कम्युनिकेशन आपके मूड तक ही है। आपने अपने मूड की शरणागति स्वीकार ली तो फिर आपके जीवन में जो अहितकारी है वह हटता चला जाएगा, और जो भी अहितकारी है वह और जो भी हितकारी है वह आपको मिलता चला जाएगा। यानी फिर एक ही विश्वास आपको करना रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। और वास्तव में एक समय के बाद होता भी ऐसा ही है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।